100 मील का एक ऐसा एरिया जिसे दुनिया की डेथ वैली कहा जाता है, क्योंकि एक सुरक्षित जीवन की तलाश में नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक जाने वाला ये एरिया मौत और खतरों से भरा हुआ है। और जो लोग इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं उनमें से अधिकतर लोग जिंदा अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा क्या खतरनाक है 100 मील के एरिया में? आखिर क्यों आज तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट नहीं किया गया है? और क्यों इस रास्ते पर आज तक कोई भी रेलवे और रोडवेज नहीं बना हुआ? आखिर क्यों खतरनाक है ये रास्ता? कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच एरिया डेरियन गैप के सारे सीक्रेट जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मौत की घाटी कहे जाने वाले इस एरिया का नाम डेरियन गैप है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कोलंबिया और पनामा बॉर्डर को आपस में जोड़ता है। लेकिन अमेरिका में इतनी हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी आज तक इस एरिया में एक भी रेलवे ट्रैक या रोड्स नहीं बने हैं, और इसी वजह से हर साल इस एरिया को क्रॉस करने वाले लाखों लोगों में से हजारों की जान चली जाती है। इसीलिए इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह और मौत की घाटी भी कहा जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है और यहाँ ट्रांसपोर्ट के साधन क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि डेरियन गैप एक तरफ से लाइन ऑफ इक्वेटर से जस्ट 100 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ का मौसम खतरनाक तरीके से बदलता रहता है, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, वहीं साल में मतलब करीब 365 में से 330 दिन बारिश होती है। इसके अलावा ये 100 मील का एरिया पूरे तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है, तो ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा रहती है। कभी भी इस एरिया में बाढ़ आ जाती है और पहाड़ों के पत्थर अपने आप टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ऐसे में कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी के जरिए भी इस एरिया में सड़कें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट, कंक्रीट और डामर को सूखने के लिए धूप और गर्मी की जरूरत होती है। और अगर इन सभी रीजंस को साइड में रख भी दिया जाए तो यहाँ पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू इस जगह को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं, क्योंकि जंगलों से घिरा होने की वजह से इस 100 मील के एरिया में आपको दुनिया के सभी तरह के कीड़े मकोड़े, जहरीले जानवर मिल जाएंगे। और लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पर दलदल और दरिया भी कदम कदम पर मौजूद रहते हैं, जो यहाँ से निकलने वालों के लिए मौत का पूरा इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वाकई में इस जगह पर किसी भी तरह से सड़क बनना नामुमकिन है, तो ये बात सरासर गलत है। अगर हाई टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा खर्च करके कोशिश की जाए तो इस एरिया में जब सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन रूट बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजन इसका सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अमेरिका और पनामा इस एरिया में सड़कें बनने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे पनामा की आजादी पर एक खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक पनामा कोलंबिया का ही एक हिस्सा था। लेकिन कोलंबिया और पनामा के बीच डेरियन गैप बना हुआ था, जिस वजह से कोलंबिया पनामा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और पनामा ने इस बात का फायदा उठाया और आजादी का बिगुल बना दिया। पनामा में कोलंबिया से आजादी पाने का सफर चल ही रहा था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूएसए एक रेजिंग पावर की तरह सामने आया, और यूएसए की नजर पनामा कैनाल पर थी, क्योंकि अब तक जो अमेरिका सी वे से बिजनेस करने के लिए ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट और वेस्ट से ईस्ट कोस्ट तक पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करके जा रहा था, वहीं अमेरिका इस कैनाल में अपनी सहूलियत देख रहा था, ताकि उसकी नेवी और शिप्स आसानी से कम समय में एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक जा सके। तो अगर पनामा कैनाल का कंट्रोल अमेरिका की बजाय कोलंबिया के पास रहता, तो कोलंबिया के हाथ में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी लग जाती, इसीलिए अमेरिका पनामा को कंट्रोल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कोलंबिया पनामा का कंट्रोल किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं देना चाहता था, और इसीलिए कोलंबिया ने पनामा की आजादी की लड़ाई में पनामा का पूरा सपोर्ट किया, जिसका रिजल्ट 1913 में पनामा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सामने आया। पनामा की सरकार बनते ही पनामा कैनल के आसपास की सारी जमीन 1999 तक के लिए अमेरिका ने पट्टे पर ले ली, और अब पनामा कैनल पर अमेरिका का कंट्रोल था। लेकिन पट्टा खत्म होने के बाद पनामा ने नहर की सत्ता वापस अपने कंट्रोल में ले ली। अब भले ही पनामा नहर का कंट्रोल पनामा को वापस मिल गया हो, लेकिन सी ट्रेड के लिए आज भी सभी देशों को पनामा का मुंह ही ताकना होता है, क्योंकि अमेरिका से लेकर चाइना तक व्यापार करने के लिए इसी रास्ते के मोहताज हैं। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला यही एक पॉइंट है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच व्यापार करने के लिए ये नहर एक सेतु की
तरह है, और यही वजह है कि हर साल 14,000 कार्गो शिप्स इस कैनाल को क्रॉस करते हैं और डेरियन गैप डेथ वैली पनामा और कोलंबिया को जोड़ने का काम करती है। यानी कि अगर आपको कोलंबिया से यूएसए या मैक्सिको जाना है तो डेरियन गैप को पार करना होगा। आज भले ही यूएसए कितनी ही तरक्की कर रहा हो, लेकिन कोलंबिया में आज भी वायलेंस अपनी हाईएस्ट पीक पर है। यहाँ कभी भी हमले होते रहते हैं, आतंकवाद लगातार बढ़ा ही हुआ है, लेकिन कोलंबिया में ड्रग का कारोबार खुलेआम चलता है और पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कोकीन यही बनती है। लेकिन इस कोकेन को सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में स्मगल किया जाता है, जो कि डेरियन गैप वाले रास्ते से होना नामुमकिन जैसा होता है। और अगर ये स्मगलिंग शिप्स के जरिए की जाती है तो पनामा के कोस्ट गार्ड्स इस स्मगलिंग का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं और इन्हें बीच में ही पकड़ लिया जाता है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि डेरियन गैप के बीच में कोई भी सड़क या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रोड बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोलंबिया में कोकेन के स्मगलर पनामा की पनामा कनाल का तो डैमेज कर ही देंगे, साथ ही ये लोग मेक्सिको से लेकर अमेरिका तक में कोकेन की स्मगलिंग खुले तौर पर करने लगेंगे। इसलिए यहाँ कोलंबिया और पनामा की गवर्नमेंट चाहकर भी कोई रोड नहीं बना सकते। इन सब के अलावा अगर डेरियन गैप में रोडवेज शुरू होता है तो अमेरिका को डर है कि कहीं साउथ अमेरिका के लोग नॉर्थ अमेरिका पर अपना कब्जा ना कर बैठे, क्योंकि आज भी साउथ अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सपोर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉर्थ अमेरिका से 90% लोअर है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में वीक गवर्नेंस, करप्शन और टेररिज्म लगातार बढ़ रहा है और यहाँ की पॉपुलेशन इन सबसे बचने के लिए नॉर्थ अमेरिका की तरफ रुख करती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका इन गरीब रिफ्यूजी को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता, इसलिए अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में काफी बदलाव किए हैं, जिनकी वजह से साउथ अमेरिका के लोग लीगली नॉर्थ अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकते। तो उनके पास नॉर्थ अमेरिका में जाने के लिए केवल डेरियन गैप का ही रास्ता बचता है, और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि इस रास्ते से गुजर कर इन हजारों लोगों के लिए सेंट्रल अमेरिका से मेक्सिको और मेक्सिको से यूएसए जान पर खेलने से कम नहीं होता है। लेकिन जो लोग गरीबी, भुखमरी और आतंकवाद से परेशान हैं, उन लोगों के लिए इस डेरियन गैप से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता, और अपने इस सफर में इन्हें डेंगू, मलेरिया, लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़ और चोरी डकैती का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए अमेरिका डेरियन गैप के कंस्ट्रक्शन को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो साउथ अमेरिका से बड़ी तादाद में लोग नॉर्थ अमेरिका में घुस जाएंगे, और नॉर्थ अमेरिका जो आज तरक्की के सातवें आसमान पर बैठा है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इन गरीब लोगों के आने की वजह से कम हो जाएगी। इसीलिए इस रास्ते पर सड़क का बनना तो शायद नामुमकिन है, लेकिन इन सब के बावजूद हर साल वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर से लाखों लोगों ने इस मौत की घाटी को पार करने की कोशिश की है, ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2022 में कुल मिलाकर 2.5 लाख लोगों ने इस डेरियन गैप को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से जहरीले जानवरों के काटने से गंभीर बीमारियां हो गईं। आसपास कोई इलाज न मिलने की वजह से कईयों की जान भी चली गई। बाकी जितने लोग अमेरिका पहुंचे उनमें से हजारों मेंटली स्टेबल नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।